చంద్రశేఖర్ రావు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ये एक साल में पर्टिकुलर वुमेंस एट्रोसिटी या ऐसे कोई वाक़या जिससे आप लोग सेटिस्फाई नहीं है? हुकूमत तो दावा कर रहा है कि हम मुकम्मल हमारी पीसफुल गवर्नमेंट है, सबके लिए सिक्योरिटी है, लेकिन आप क्या इसके बारे में? सारे तेलंगाना की जनता जानती है और दिशा संगठन से तो पूरे देश में पता चल गया है कि तेलंगाना में वुमेन के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है. अगर आप लोगों से पूछो या पॉलिटिकल लीडर्स से पूछो, किसी से भी पूछिए आप लोग, टीआरएस सरकार ने या केसीआर ने क्या हासिल किया बोले तो क्राइम रेट में जो पूरे देश में उससे डबल क्राइम रेट हासिल किया इन्होंने. और महिलाओं के ऊपर सुरक्षा के विषय में तो आए दिन जितने केसेस आपको पूरे इंडिया में भारत में दिखेंगे उससे ज़्यादा केसेस आपको इधर तेलंगाना में दिखेंगे. और क्या हासिल किया बोले तो लोगों को वाइन शॉप्स ज़्यादा बढ़ा के दारू पिला पिला के मार रहे लोगों को, और रास्ता भटकने जैसा कर रहे, यूथ को भी रास्ता भटकने जैसा कर रहे. जो 10,000 या 11,000 के वाइन शॉप्स थे तेलंगाना में, उसको 20,000 से ज़्यादा कर दिया वाइन शॉप्स को. ऐसे अगर आप एक एक चीज़ को बात करते जाए तो क्या हासिल किया बोले तो बर्बादी हासिल कर रहे और तेलंगाना के लोगों को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे लोग. अगर इनको सही में लोगों की सुरक्षा के बारे में ध्यान है, महिलाओं के सुरक्षा के बारे में ध्यान है, तो क्राइम रेट बढ़ते क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है, वाइन शॉप्स क्यों बढ़ रहे? 20,000 करोड़ से ज़्यादा आपको खजाना सिर्फ वाइन शॉप से क्यों आ रहा है? तो ये सब अगर मद्देनज़र रखेंगे आप तो आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि केसीआर गवर्नमेंट और टीआरएस गवर्नमेंट लोगों के भला के बारे में कुछ नहीं सोच रहे. वो लोग बस, वो लोग सत्ता में है क्या, उनके खजाने में वाइन शॉप से पैसा आ रहा है क्या, बस इसी के ऊपर ध्यान रख रहे. और आज शायद आपने देखा होगा कामारेड्डी की जड़पी चेयरपर्सन और जो सेकेंड टाइम एमएलए है गोंगड़ी सुनीता, उन्होंने जो दिशा संगठना के ऊपर अब व्याख्यान किया, आपने देखा है उसको? एक बोलती है कि अरे वो लड़की ठीक नहीं है इसीलिए उसने अपने मदर को फ़ोन नहीं किया, अपने माँ को फ़ोन नहीं किया, अपने बहन को फ़ोन किया, वो लड़की ही ठीक नहीं है बोल के एक औरत बोलती है. और दूसरी औरत बोलती है कि एनकाउंटर क्यों किया. मतलब इनको ये भी चीज़ के बारे में पता नहीं है कि सत्ता में वो लोग हैं, सरकार में वो लोग हैं. अगर ये प्रश्न पूछना है कि एनकाउंटर क्यों किया तो जाके अपने केसीआर साहब के पास बैठ के पूछो. अगर दिशा संगठन ने आज घटा है हैदराबाद में, एक मेन सिटी में, तो आप जाके अपने केसीआर साहब से पूछो कि महिलाओं के सुरक्षा के बारे में आपने क्या किया. 6 साल हो गए अभी, हाँ उससे पहले महिला कमीशन था तो आंध्रा की लेडी को लेके आके यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया था, और अब 1 साल से तो वुमेन कमीशन ही नहीं है यहाँ पे. अगर आप एक जड़पी चेयरमैन है, सेकेंड टाइम एमएलए है, तो सारे लेडीज़ जो है टीआरएस के, जाके केसीआर साहब से पूछो महिलाओं के लिए क्या कर रहे हो आप. अगर आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, या फिर दिशा संगठन क्यों घटा है, अगर आपने सारा सिक्योरिटी लिया है तो रिज़ाइन कर दो टीआरएस पार्टी को, अपने पद से उतर जाओ, क्योंकि आप लोग तो काबिल हो नहीं. जड़पी चेयरमैन होके, एमएलए होके, जब आपको काबिल नहीं हो वुमेन सुरक्षा के बारे में आपके सीएम के पास जाके बात करने में, तो उस पद पे क्यों बैठे हो आप लोग? यही प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी. जितने भी टीआरएस के महिलाएँ, आप सेकेंड टाइम एमएलए बन रहे हो या 10 बार बन रहे हो, ये मायने नहीं रखता है. बट आपको जब सत्ता मिलता है, जब पावर मिलता है, आपने लोगों के लिए उसको किस तरह से इस्तेमाल किया, ये मायने रखता है. तो मैडम, आपका कहना ये है कि जो वाइन शॉप्स की ज़्यादा थी वो उसका एक रीज़न है,
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वाइन शॉप्स जब ज़्यादा नहीं थे या स्मार्ट फोन्स जो है वो ज़्यादा नहीं थे या फिर दूसरे दूसरे जो भटकने जैसे चीज़ें नहीं थे, तब लोग शाम होते ही अपने घर जाते थे और अपने बच्चों के साथ या अपने फैमिली के साथ में समय गुजारते थे। और आजकल क्या हो गया है कि रात को कितने बजे घर पहुंचेंगे पता नहीं है, और मर्द आदमी कितना पी के आएगा वो भी पता नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी मिल जाता है और कौन से समय पे भी मिल जाता है। समय की पाबंदी है या ना तो एक इंसान को कितना बेचना चाहिए उसके ऊपर पाबंदी है। तो ये सारी घटनाएं घट रही है, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइन शॉप्स का ही है। तो क्या आप वाइन शॉप के जो है उसको रिड्यूस करना, आपका डिमांड क्या है, किसको रिड्यूस करना चाहिए या फिर इसमें और इजाफा किया जाना चाहिए? हम लोग तो महिला कांग्रेस की तरफ से पहले से डिमांड कर रहे हैं और अब दिशा संगठना के बाद तो हमने इसको सीरियसली ले लिया है। पहले तो हम पूरे बेल्ट शॉप्स बंद करने को बोल रहे हैं, क्योंकि आप तेलंगाना के किसी भी गांव में जाइए आपको पानी नहीं मिलेगा, मगर हर विलेज में हर गांव में 10 बेल्ट शॉप मिलेंगे। तो मतलब आप दिखाना क्या चाहते हो सारे तेलंगाना के लोगों को, उसका क्या बोलते बानी सा तेलुगु में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं तेलुगु में, गुलाम, गुलाम बना के, सिर्फ वाइन्स का गुलाम बना के उनके ऊपर राज चलाना चाहते हैं। लोगों के डेवलपमेंट के बारे में आप सोच रहे हो या फिर सिर्फ आपके सत्ता में रहने के बारे में सोच रहे हो, ये प्रश्न मैं करना चाहती हूँ केसीआर साहब से। नहीं मैडम, जब रेवेन्यू जो है बेल्ट शॉप से इंक्रीज हुआ तो तेलंगाना डेवलप होगा, ये उनका एक एम है। तेलंगाना हो या कोई प्रदेश हो या कोई देश हो, कब डेवलप होता है, वहाँ के बसे हुए लोग डेवलप होते हैं, फैमिलीज डेवलप होते हैं, तो वहाँ का देश या प्रदेश डेवलप होता है। सिर्फ खजाना से नहीं, खजाना तो रेवेन्यू तो आपको जनरेट हो रहा है, मगर रेवेन्यू किस चीज़ से जनरेट हो रहा है, गलत चीज़ से जनरेट हो रहा है, लोगों को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले चीज़ से हो रहा है, इसलिए ये इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। तो आप जो ये एक साल का जो केसीआर का जो टेनर है आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब? आज आप अगर किसी भी ग्राम पंचायत में जाके भी आप बात करें तो कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। सरपंचस का हाल देखा है आपने, सरपंच बेचारे जीत के आए हैं मगर उनको काम करने के लिए गांव में एक रुपया नहीं है उनके पास, और लोग जाके उनसे लड़ाई कर रहे हैं कि आप एक साल हो गए आपने क्या किया गांव के लिए, वो बता नहीं पा रहे हैं कि तेलंगाना सरकार के पास से पैसा नहीं आ रहा है, ना तो कोई MLA हैप्पी है खुश है, ना कोई MP खुश है या फिर सरपंच खुश है या ZPTC मेंबर्स, तो उनका तो हाल इतना बेकार है कि अरे क्यों हम ZPTC बने बोल के उनका हाल बेकार है। तो आप अगर पॉलिटिकली भी लेके जाएंगे या फिर युवा है, युवाओं को आपने देखा किसी को भी जॉब मिलते हुए, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, किसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। महिलाओं का तो हाल आपने देखा है, दिशा संगठना के बाद में भी कितने संगठना घटे हैं, तो कोई भी यहाँ पे खुश नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं, ये मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं खुद बोल रही हूँ। आप अगर जाके किसी भी जनता के पास जाके आप पूछोगे उनका ओपिनियन, तो वो लोग यही बोलेंगे कि अरे हमने क्यों वोट डाला KCR को। ये तो जो है महिला की, अब चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्या है, स्टेट के अंदर जो चाइल्ड है उनका एजुकेशन है या उनके लिए जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज पर क्या आपका? चाइल्ड एजुकेशन आपने बोला है, KG to PG कितने साल पहले उन्होंने ये अनाउंस किया था? 6 साल। तो 6 साल में क्या KG to PG उनको दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, पूछने के मतलब ऑपोजिशन के पार्टी के लोग लड़ लड़ के दो लेडीज़ को कैबिनेट में ले लिए, उनको वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का मिनिस्टर बनाया, उनके पास फंड है या फिर उनके पास पावर है? कुछ भी नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके पास पावर है या फंड है? कुछ भी नहीं है। उनको रिज़ाइन करना चाहिए एक्चुअली कि KG to PG हम लोग नहीं दे पा रहे, लोग हमसे डिमांड कर रहे कि आपने अनाउंस क्यों किया, जब आप काम कर सकते हो तभी आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए। मतलब इलेक्शन के वक्त लोग एक बात बोलते हैं वोट आने के लिए, और इलेक्शन के बाद में उनका करने का तरीका अलग है। तो बच्चों के लिए हो या नौजवानों के लिए हो, किसी के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, और ग्रेजुअली सबको पता चल रहा है कि सिर्फ ये बातों का सरकार है, ये कामों का सरकार नहीं है।